आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको चॉकलेट्स बनाना सिखाएंगे विद ओनली वन इंग्रेडिएंट। इसमें हम आपको बेसिक चॉकलेट बनाना सिखाएंगे, उसके बाद एक दूसरी चॉकलेट भी बनाएंगे जिसमें हम वेफर्स का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए हम बताते हैं कि हमने चॉकलेट बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए हैं। हमारे पास ये ब्रिक्स हैं चॉकलेट्स की, इसको हम ब्रिक बोलते हैं। कंपाउंड, एक मिल्क कंपाउंड है और ये डार्क कंपाउंड है। ये थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट होता है, ये कम स्वीट होता है। मतलब ये ज़्यादा आपको थोड़ा बिटर लग सकता है, जो ज़्यादा चॉकलेट ही नहीं खाते हैं तो ये थोड़ा बिटर होगा, ये थोड़ा सा स्वीट होगा मिल्क कंपाउंड। तो ये दो मॉडे कंपनी के हैं। इसमें और भी कंपनीज के आते हैं, वैनिलेयर है, बहुत सी कंपनीज है। तो आपको जो मिल जाए आप वो ले सकते हैं। तो इस तरह की ये ब्रिक्स होती हैं, इनको हम अभी थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, थोड़ा सा तोड़ेंगे तो इस तरह से टूट जाएगा। इसको आप फ्रिज में रखते हैं और जब आपको चॉकलेट बनाना हो तो इसको आपको पहले से बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे लाना होता है, तब आप इसे बनाइएगा। बाकी कुछ हमारे पास मोल्ड होते हैं तो जिनमें हम चॉकलेट बनाते हैं, तो ये तरह तरह के मोल्ड हैं। ये एक सिलिकन का है, इस तरह से ये फोल्डेबल है, किस तरह से ये। तो इसमें बहुत शेप्स आते हैं, बहुत वैरायटी होती है, बहुत कलर्स होते हैं इनके मोल्ड्स के। ये थोड़े बेसिक मोल्ड्स हैं, ये थोड़े से क्रैक हो जाते हैं जल्दी, अगर इनको हम ठीक से ना यूज़ करें तो ये क्रैक हो सकते हैं। तो ये हर शेप में आते हैं। ये देखिए, ये हम आपको शेप्स कुछ दिखाए थे। देखिए हमारे यहाँ से ये थोड़ा सा क्रैक भी हो गया है, तो इसके ये सब शेप्स हैं, आप देख सकते हैं। इसे पूरा एक चॉकलेट बड़ा सा बन जाएगा इस तरह से। किटकैट के लिए है ये, किटकैट जैसे बनाने के लिए। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे बनाना है। हमारे पास ये वेफर्स हैं, इनकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम आपको दो तरह की चॉकलेट्स बनाना सिखाएंगे। एक हम बेसिक चॉकलेट बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से एक सिंपल बेसिक चॉकलेट बनानी है, और दूसरा हम इस किस तरह से है ये वेफर्स को यूज़ करते हुए हम चॉकलेट बनाएंगे। तो ये हमने इसको निकाल लिया है, इसमें इस तरह से आपको बड़े बड़े पीसेस, पूरा एक ब्रिक होता है ये इसको, तो इसमें हमने ये इस तरह से निकाल लिया है। और इस तरह से हमने, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे था तो ये आसानी से ये टूट जाएगा, तो फिर ये हमने इसको निकाल लिया है। अब हम इसको आपको बताते हैं कि अगर आपके घर में माइक्रोवेव है तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। बस इसको माइक्रोवेव में आधा मिनट पहले चलाना है, लगातार इसको नहीं चलाना है वरना ये जल जाता है। तो आधा मिनट चलाइए, फिर इसको चलाइए, मिलाइए, फिर दोबारा आधा मिनट के लिए चलाइए। तो इस तरह से आपको इसको मेल्ट करना है, इसको हम मेल्ट करेंगे माइक्रोवेव में। दूसरा तरीका ये हो सकता है, अगर आपके घर में माइक्रोवेव नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी एक बर्तन ले लीजिए, नीचे आप पानी रखिएगा, इसमें नीचे पानी और ऊपर से घी रख लीजिएगा, और आप चॉकलेट इसमें रख के, या कोई भी एक बर्तन, स्टील का बर्तन भी आप इसमें ले सकते हैं। तो आप कोई भी स्टील का बर्तन लीजिए या कांच का लीजिए, उसमें आप चॉकलेट के इस तरह से डालिए, इस तरह से इसमें रखिए, और इसकी भाप जब ये स्टीम निकलेगी तो उससे ये पिघलने लगेगा। तो दूसरा तरीका ये है, अगर आपको माइक्रोवेव नहीं यूज़ करना तो आप उससे ये, उस तरीके से ये आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ये लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे कोई एक स्टैंड रख दीजिए पानी के अंदर, और ये स्टैंड के ऊपर आप इस तरह से रख दीजिए। बस पानी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी पानी इसमें टच ना हो। आपको उसको ढकना नहीं है, खुले में ही आपको इसको स्टीम से इसको पिघलाना है, इसको हमें मेल्ट करना है। पानी बिल्कुल आपको इसमें नहीं लगना चाहिए, आप डायरेक्ट इसमें भी कर सकते हैं, एक स्टैंड रख के उसके बाद आप ये रख दीजिए, तो आपका ये काम भी हो जाएगा। तो फिलहाल हम ये मेथड नहीं यूज़ करेंगे, हम माइक्रोवेव यूज़ करेंगे, सिर्फ आपको बताने के लिए हमने ये इसलिए यहाँ रखा हुआ था। तो इसको हम माइक्रोवेव में पिघला के आपको दिखाते हैं। इसको हमने माइक्रोवेव में पिघला लिया है, देखिए पहले आधा मिनट चलाया, फिर उसको थोड़ी देर चलाया हमने इसको निकाल के बाहर, फिर दोबारा इसको आधे मिनट के लिए हमने रखा, तो ये अच्छे से पिघल गया है। अभी इसको हम थोड़ा चलाएंगे, इस तरह से हम इसको चलाएंगे, और ये अपनी ही हीट से, जो बाकी जो ये बचा हुआ है ये भी इसमें पिघल जाएगा अपनी ही हीट से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेम्परिंग। ये टेम्परिंग है, जो हम इसको बाहर निकाला हमने माइक्रोवेव से, फिर ये अपनी हीट में जो बाकी बचा हुआ है ये भी इसमें पिघल जाएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो दोबारा आधे मिनट के लिए या 15 सेकेंड के लिए आप इसको दोबारा माइक्रोवेव में रख दीजिएगा। इसको हमने 15 सेकेंड दोबारा माइक्रोवेव में डाला, तो देखिए अब जितने भी इसमें लम्स है सब पिघल गए, अच्छा सा इसका कंसिस्टेंसी आ गया है। आपको इस तरह से तैयार कर लेना है। अब हम इसको स्पून से मोल्ड्स में डालेंगे। एक हम स्पून ले लेते हैं, हम ये वाला यूज कर लेते हैं। हम दो तरह के मोल्ड्स यूज करके आपको दिखाते हैं इनमें से कैसे
यूज करना है। तो धीरे धीरे हम अच्छे से हमने मिला लिया है, देखिए इसमें इसमें कोई भी अब लम्स नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ये मेल्ट हो गई है हमारी चॉकलेट। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेते हुए हम इसको इन मोल्ड्स में डालेंगे। इधर उधर गिरेगा तो उसकी कोई चिंता नहीं, वो आराम से निकल जाता है। फिलहाल 5 में ये डाला है, अब इसमें हम इस तरह से टैप करेंगे तो ये सारा लेवल में हो गया, जितनी भी इसमें एयर रहती है वो भी निकल जाएगी और बिल्कुल सब बराबर हो गए, इवन हो गए इस तरह से। देखिए अब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, फ्रीजर में नहीं रखना है इसको, हम फ्रिज में रखेंगे। अब हम इस मोल्ड में भी डाल देते हैं, ये डिफरेंट शेप्स हैं, एक ही मोल्ड में डिफरेंट शेप्स हैं, थोड़ी इनमें चॉकलेट्स बड़ी हुई बनेंगी, बहुत गहरा है इसके ये, तो इसमें हम बना लेते हैं। इसको भी हम टैप कर लेते हैं इस तरह से हल्के हल्के हाथ से। ये देखिए इसकी भी सारी एयर निकल गई है, जितने भी बबल्स थे सब निकल गए हैं और ये इवन हो गया है देखिए अच्छे से। और इसको भी हम फ्रिज में रख देते हैं, तो 15-20 मिनट बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। तो वो मेल्टेड चॉकलेट ख़त्म हो गई है, तो हमने ब्रिक में से और तोड़ लिया है, इसको हम दोबारा मेल्ट करके दूसरी तरह की चॉकलेट्स आपको बनाना दिखाते हैं। हमने इसको 1 मिनट 15 सेकेंड में इसको मेल्ट कर लिया है। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे निकाल के रखेंगे 2-3 घंटे बनाने से पहले, तो आपको ज़्यादा टाइम इसको पिघलाने में नहीं लगेगा। तो हमने इसको रूम टेम्परेचर पे निकाला हुआ था, तो इसको 1 मिनट 15 सेकंड में देखिए हमने इसको उसको मेल्ट कर लिया है। तो हमने ये वेफर्स लिए हैं, ये अब हम वेफर्स वाली चॉकलेट्स बना रहे हैं। तो वेफर्स लिए हैं ये, लेकिन ये साइज़ देखिए इसमें नहीं आएगा, तो उसको हम थोड़ा सा तोड़ देते हैं यहाँ से, इतना हम तोड़ देंगे। तो देखिए इसमें आ गया है। अब पहले हम इसमें एक पतली लेयर नीचे इसमें डालेंगे, इनको अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे। इसको हम इस तरह से घुमा घुमा के पूरे में स्प्रेड कर लेंगे, और इस तरह से स्प्रेड करना है कि किनारों पे भी ये लग जाए, इसकी साइड्स में भी ये लग जाए। अगर आपको लगे कि कम है तो थोड़ा सा और डाल दीजिएगा। हम इस तरह से देखिए स्प्रेड कर रहे हैं कि साइड में भी ये लग जा रहा है, जिसमें आपको लगे कि कम है तो उसमें और थोड़ा सा डाल दीजिए। इसमें हमें कम लग रहा है, इसमें हम डाल दे रहे हैं। तो अच्छे से हम इसको स्प्रेड कर लेंगे, चारों किनारों पे हमें इसको थोड़ा थोड़ा लगा देना है, ताकि इसके ऊपर जब हम रखें तो हम वेफर हमें बाहर की तरफ दिखे नहीं, बिल्कुल इसमें कवर हो जाए। इस तरह से हमने इसको स्प्रेड कर दिया है, ये सब तरफ अच्छे से स्प्रेड हो गया है। इसको भी हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि इसकी भी एयर निकल जाए। तो देखिए हमने इसको पूरा पूरा नहीं भरा है, आप इसको ध्यान से देखिए हमने इसके इतना खाली छोड़ा हुआ है, सिर्फ हमने नीचे एक पतली सी लेयर बनाई है अभी। तो अब इसको हम दोबारा भी फ्रिज में रख देते हैं और फिर इसको निकाल के तब इसके अंदर हम वेफर डालेंगे। ये देखिए इसको हमने 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था, ये अच्छे से जम गया है, तो ये पतली ही लेयर है अभी इसमें, तो आप इसको देख लीजिए इस तरह से, इतना इतना हमने अभी छोड़ा हुआ है इसमें, आपको अगर दिख रहा हो। तो अब हमने ये सबको काट लिया है, हमने इसको इवनली सबको काट लिया है इन हिस्सों को। अब इनको हम इसमें डाल देते हैं, बीच में डालना है बिल्कुल, ये देख लीजिए आप इसको, मैं आपको आपको नजदीक से दिखा देती हूँ, साइड में चारों तरफ जगह है। चम्मच में थोड़ा थोड़ा ही लीजिएगा और इस तरह से साइड में डालते हुए आप इसको साइड में पहले डालिएगा। एक को कवर कर दिया है, इस तरह से हम इसको लेवल कर देते हैं पहले,
क्योंकि इसको थोड़ा हमें धीरे धीरे करना है, तो एक में पहले आप डालिएगा, उसको लेवल में कर लीजिएगा टैप करते हुए इस तरह से। तो ये अब लेवल में आ गया है, सब तरफ ये फिल हो गया, जितने भी इसमें चारों तरफ गैप्स है वो फिल हो गए हैं। ये देखिए आप, अच्छे से ये इसमें हो गया है। अब बाकी भी हम आपको करके इसी तरह से दिखाते हैं, हम आपको रिपीट करते हैं। पहले जो यहाँ पे जो गैप्स हैं चारों तरफ, पहले इनमें डालिएगा, तब आप ऊपर में इसको कवर कीजिएगा ताकि सारे गैप फिल हो जाएं और उसमें जो बाहर की तरफ बिल्कुल हमें ये वेफर्स ना दिखें। तो ये बिल्कुल किट कैट की तरह हमारी चॉकलेट तैयार हो जाएगी। तो बाकी भी हम आपको करके दिखाते हैं। ये हमारा थोड़ा सा जम गया है, इसको 15 सेकेंड के लिए हम दोबारा इसको माइक्रोवेव में चला देते हैं। ये देखिए सारे हमने अच्छे से फिल कर दिए हैं, इनको टैप कर दिया है, सारी इनकी जितनी भी एयर थी हमने निकाल दिया। अभी जो हमारे पास बचे हुए पीसेज हैं इनको हम इन छोटों में यूज़ कर लेते हैं, इन छोटे जो हमारे ये मोल्ड्स हैं। पहले हम इनमें थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। इनको भी टैप कर लेते हैं और इनके अंदर हम बीच में ऐसे डाल देते हैं, थोड़ा सा दबा देंगे। इस तरह से हमने इनको दबा दिया, अब हम ऊपर से इनको भी कवर कर देंगे। इनमें भी पहले हम साइड में डाल रहे हैं, बाद में हम ऊपर डालेंगे। ये भी हमारे तैयार हो गए, इनको भी अब हम फ्रिज में रख देते हैं। 15-20 मिनट रख दिया था फ्रिज में, अब इनको हम इनमें से निकाल लेते हैं, डीमोल्ड कर लेते हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। और देखिए सब अपने आप निकलने लगती हैं। ये देखिए जो एक्स्ट्रा भी था ये अपने आप ही सब निकल गया है। इस तरह से जो है आप इसको इस तरह से निकाल देंगे आसानी से, ये साइड से जो एक्स्ट्रा होते हैं वो सब निकल जाते हैं। देखिए कितने परफेक्ट बनकर आए हैं। अब बाकी भी हम निकाल लेते हैं, हमने ये वाले जो बनाए थे ये भी निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे तो अगर नहीं निकल रहा है आसानी से, इसका मतलब ये अभी हुए नहीं है। तो ये अभी हुए नहीं है, इसको हम वापस फ्रिज में रख देते हैं। इनको देख लेते हैं कि अगर ये निकल जाते हैं तो, इनको थोड़ा सा हमें यहाँ से पुश करना पड़ता है निकालने के लिए। अगर ये हो गए होंगे तो ये भी अभी नहीं हुए हैं, इनको भी अभी हम 5 मिनट के लिए दोबारा फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज से ये भी निकाल लिए हैं, इनको भी हम डीमोल्ड कर लेते हैं। देखिए जब ये अपने से हो जाते हैं तो अच्छे से अपने आप निकलने लगते हैं। इसके जो ये किनारे हैं आप इसको इस तरह से करेंगे ये, तो अपने आप ये सब निकल जाते हैं। इसको भी हम निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा हमें इस तरह से पुश करना पड़ता है और ये आराम से निकल जाते हैं। देखिए ये वो वाले हैं जिसमें हमने इनमें वेफर डाला था, और ये प्लेन है बिल्कुल, लेकिन इसमें ये डिजाइन्स वाले हैं। बाकी ये हम अपना, ये हमने एक बड़ी सी एक चॉकलेट बनाई थी, इसको भी हम निकाल देते हैं। ये देखिए ये भी आसानी से निकल गई है, ये मेरी क्रिसमस की है। इस तरह से हैप्पी बर्थडे के भी आते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। अब हम ये वाले भी निकाल लेते हैं, वेफर्स वाले। इस तरह से आराम से इनको सब ऐसे ही आराम से निकल जाते हैं। ये जितने भी हैं कितनी चमक है इनमें, देखिए इनमें कितने अच्छे से डिजाइन बने हुए हैं। ये सब आसानी से ये सब निकल जाते हैं। अब इनको हम आपको पैक करके दिखाते हैं कि इसको किस तरह से पैक करना है। जो डिजाइन है, जो शेप है, उसको हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम उसको पैक करेंगे। और इस तरह से हम इसको मोड़ देंगे और यहाँ पे इसको लाके मिला देंगे। दूसरे साइड से भी इस तरह कर लेंगे, इस तरह से। तैयार है, बाकी भी हम इस तरह तैयार कर लेंगे।
इस तरह से हम बड़ी भी बड़ी वाली चॉकलेट्स भी इस तरह से रैप कर लेंगे। इस तरह से हमने तैयार कर लिया। ये देखिए इसमें डिज़ाइन भी अच्छे से दिख रहा है। तो अभी हमने ये रैप किया है, बाकी भी हम आपको रैप करके दिखाते हैं। तो ये हमारे चॉकलेट्स तैयार हो गए हैं। देखिए हमने इनको सब अच्छे से रैप कर दिया है, जो जो जिसका डिज़ाइन है सब उसमें यहाँ पे दिख रहा है। देखिए तो डिज़ाइन को आप कलर्ड पेपर की तरफ से रखिएगा और उल्टा करके रखिएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं इसको बनाने में, मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, जब भी आप ब्रिक खरीदें तो उसको जिस दिन लाएं उसी दिन खरीद के उसी दिन बना लें। फ्रीज़र में या फ्रिज में मत रखिएगा, अगर ला भी रहे हैं तो आप फ्रिज में रखिएगा, उसको फ्रीज़र में मत रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब उसको आप बनाना स्टार्ट करें तो उसको आप पहले फ्रिज से बाहर निकाल दीजिएगा 2-3 घंटे पहले, ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप उसको माइक्रोवेव में करें तो उसको लगातार 1.5 मिनट या 2 मिनट के लिए लगातार मत करें, आधा मिनट इस तरह से ब्रेक करते हुए उसको चलाते हुए बीच बीच में आप उसको मेल्ट करिएगा। तो उससे ये होगा कि आपकी चॉकलेट जलेगी नहीं, और अगर लगातार एक ही बार में आप उसको गर्म कर लेंगे, मेल्ट कर लेंगे, तो थोड़ा सा जल जाएगा, उसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो उसको आप रोक रोक के और फिर बीच बीच में उसको चलाइएगा, टेम्परिंग करिएगा, तब आप उसको तैयार करिएगा। और जब आप उसको मोल्ड में डालें, मेल्ट करने के बाद जब आप मोल्ड्स में उसको डालिएगा तो उसको टैप ज़रूर करिएगा। डालने के बाद 2-3 में डाला, टैप किया, 2-3 में डाला और टैप किया, ताकि उसके सारे जो बबल्स हैं वो निकल जाएं और सारा इवनली वो मोल्ड्स में स्प्रेड हो जाए। और अब बना जैसे जैसे आप बनाते जाएँ उसको फ्रिज में रखते जाइएगा, फ्रीज़र में नहीं रखना है, उसको फ्रिज में रखना है, क्योंकि फ्रीज में रखेंगे तो उसमें पानी कलेक्ट हो जाएगा, जब आप उसको बाहर निकालेगा तो बर्फ की वजह से वो उसमें पानी आएगा, तो उससे हमारी चॉकलेट ख़राब हो सकती है। जब तक कि आप उसको रैप करेंगे आपके हाथ में फिर वो चॉकलेट आने लगेगा। तो एट अ टाइम एक ही मोल्ड को निकाल के आप उसको डीमोल्ड करिए, उसको पैक करिए, और दोबारा उसको फिर पैक करके आप उसको फ्रिज में यूज़ करने के लिए आप उसको रख दिए। तो एक एक करके आप सारे मोल्ड निकालिएगा, एक साथ सारे मत निकालिएगा, गर्मी के मौसम में खास ध्यान रखना पड़ता है, सर्दियों में तो कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आती है। तो इसको हमने तैयार कर लिया, इसको हम एक गिफ्ट पैक की तरह तैयार करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो नीचे लाइक बटन दबा दीजिएगा, एक सब्सक्राइब का भी बटन है उसको भी आप प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। बेल आइकन आप ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी नहीं पहुँचेगा। ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हो तो आप उसको लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। कुछ आपको फीडबैक देखना हो, देना हो, कुछ कमेंट्स देने हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए शैलाज दस्तरखान।